हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वन सेकेंड टू अवर चैनल। आज हम बात कर रहे हैं सेल्स टैक्स के बारे में। ये वीडियो सेल्स टैक्स के ऊपर रहने वाली है। तो इससे पहले हमने इनकम टैक्स के बारे में डिस्कस करा था और सेल्स स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करा था। तो ये हम प्लेलिस्ट में टैक्सेस के बारे में ओवरऑल डिस्कशन कर रहे हैं। आज टॉपिक है सेल्स टैक्स। सो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर सेल्स टैक्स। कहीं ना कहीं इस चैप्टर में हम सेल्स टैक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अ कंजप्शन बेस्ड टैक्स लेवाइड ऑन द सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो बेसिकली जितना भी हम कंजप्शन करते हैं सेल गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उन पर जो टैक्स लगता है उसको हम सेल्स टैक्स बोलते हैं। जो भी चीज़ें हम सेल आउट करते हैं गुड्स को सर्विसेज को, तो उन पर जो लगने वाला टैक्स जो होता है उसको हम सेल्स टैक्स बोलते हैं। सेल्स टैक्स इज टाइपिकली इम्पोस्ट एट द पॉइंट ऑफ परचेज एंड वेरिड बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो कहीं ना कहीं सेल्स टैक्स टाइपिकली इम्पोस्ट, मतलब इम्पोस्ट करा जाता है जब भी कोई परचेज करता है पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी लोकेशन में कोई प्रोडक्ट के लिए परचेज करना करते टाइम जो भी एक्टिविटी हो रही होती है, तो उस कंडीशन में सेल्स टैक्स भी अप्लाई होता है। तो इसको समझने के लिए, सेल्स टैक्स को समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी कंज्यूमर हैं एंड बिजनेसेस हैं उनका होना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, उनका होना बहुत ज़्यादा एसेंशियल होता है, तभी ये एक्टिविटी परफॉर्म हो सकती है, तभी सेल आउट हो सकता है, किसी भी प्रोडक्ट का सेलिंग हो सकती है। तो सेल्स टैक्स रेट एंड रूल्स में डिफर बाय रीजन एंड प्रोडक्ट टाइप। जैसा प्रोडक्ट होगा, जिस रीजन में प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा होगा उसके आधार पर डिपेंड करता है कितना रेट लगना है सेल टैक्स का। सो बी अवेयर ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सेल्स टैक्स रेट्स व्हेन मेकिंग परचेज। जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स लगना है। तो हाउ सेल्स टैक्स वर्क, सेल्स टैक्स कैसे वर्क करता है? तो सेल्स टैक्स इज कैलकुलेटेड एज पर द परसेंटेज ऑफ द टोटल परचेज प्राइस। जितना भी टोटल परचेज प्राइस होता है उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करी जाती है, उसके बिहाव पर सेल्स टैक्स निकल के आता है, जिसमें हम ऐड करते हैं कॉस्ट के लिए, प्रोडक्ट की कॉस्ट के लिए और सर्विसेज की कॉस्ट के लिए। सो द कलेक्टेड सेल्स टैक्स इज रेमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द सेलर। कहीं ना कहीं जितना भी सेल्स का कलेक्शन होता है उसमें से जो टैक्स होता है वो कट के गवर्नमेंट को प्रोवाइड कराया जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं सेल्स वर्क करता है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स टैक्स अप्लाइंस कंप्लाइंसिस। तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो यहाँ पर गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं अल्टीमेट गवर्नमेंट को टैक्स जाता है। और कहाँ से जाता है? तो जो भी बिजनेसमैन होते हैं या कंज्यूमर होते हैं वो अगर परचेज करते हैं तो उन पर टैक्स अप्लाई होता है, और कहीं ना कहीं जो भी बिजनेस कर रहे होते हैं उन पर भी टैक्स अप्लाई होता है, क्योंकि वो सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं प्रोडक्ट के लिए, गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए। नाउ द डेस्टिनेशन वेस्ट वाज ओरिजिन बेस्ड सेल्स टैक्स इन विच देयर आर टू प्राइमरी मेथड्स ऑफ सेल्स टैक्स कलेक्शन। सेल्स टैक्स कलेक्शन के टू मेथड हैं, डेस्टिनेशन बेस्ड एंड ओरिजिन बेस्ड। तो ये दो मेथड हैं, इनमें जो डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम है वो क्या कहता है? सेल्स टैक्स रेट इज बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ द बायर। तो सेल्स टैक्स डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम में सेल्स टैक्स जो है, सेल्स टैक्स रेट जो है वो बेस कर, मतलब डिपेंड करते हैं लोकेशन पर, बायर की लोकेशन पर। और वहीं अगर बात करें ओरिजिन बेस्ड सेल्स की, सेल्स सिस्टम की, तो यहाँ पर यूज़ करा जाता है सेल्स सेलर की लोकेशन को टू डिटरमाइन द एप्लीकेबल सेल्स टैक्स रेट, मतलब उसकी लोकेशन को डिटरमाइन करा जाता है इसमें ओरिजिन बेस्ड, एंड उसको एनालाइज करके ही हम तय करते हैं कि कितना सेल्स टैक्स रेट रखना है। ध्यान रखने की बात इसमें यह है कि ऑनलाइन जब भी परचेस करा जाता है तो उसमें सेल्स टैक्स जो होता है वो बायर की लोकेशन पर निर्भर करता है, और हम कह सकते हैं सेलर की लोकेशन पर डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द टैक्स लॉ इन द स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन। फ्रेंड्स, कुछ सेल्स टैक्स के
एक्सेप्शंस भी होते हैं जिसमें सर्टेन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में भी एग्जेप्ट फ्रॉम सेल्स टैक्स। कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जिन पर कहीं ना कहीं सेल्स टैक्स नहीं लगता है, जिसमें कॉमन एग्जांपल जो है वो लाइक ग्रोसरीज आइटम हो गए, प्रिस्क्रिप्शंस हो गए, मेडिसिंस जितनी भी होती हैं, एजुकेशनल सर्विसेज जो भी दी जाती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज जो भी होती हैं प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो उन पर कहीं ना कहीं सेल्स टैक्स होता है वो नहीं लगता है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस पर भी सेल्स टैक्स नहीं लगता है, एंड गवर्नमेंट एजेंसी जो भी होती है उन पर भी कहीं ना कहीं सेल्स टैक्स नहीं लगता है। मे ऑल्सो क्वालिफाई फॉर सेल्स टैक्स एक्सेप्शंस। फ्रेंड्स, ये एक्सेप्शन केस हैं, इन पर टैक्स नहीं लगता है। तो ये हमने बात करी थी आज सेल्स टैक्स के बारे में। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो वाकई पसंद आई होगी एंड आपको कुछ इन्फॉर्मेशन इससे भी मिली होगी। सेल्स टैक्स क्या होता है, इनकम टैक्स में हमने बात करी थी, इनकम पर जो टैक्स लगने वाला होता है वो इनकम टैक्स होता है। सेल्स टैक्स मतलब सिंपल सा ये है, जब भी गुड्स एंड सर्विसेज की बात होती है तो वहाँ पर हम सेल्स टैक्स अप्लाई होता है। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करके यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू। Thank you.